खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी ने मगनलाल को जो चिट्ठी बंबई से लिखी थी गुजराती में थी। पत्र के शुरुआती कुछ वाक्यों में मगनलाल के दूसरे सवालों को निपटाने के बाद गांधी अध्यात्म की ओर मुड़ गए। बाकी के हिस्से में उन्होंने ब्रह्मचर्य, मोह और मोक्ष की अवधारणाओं की अपने ढंग से विस्तार से व्याख्या की। मोक्ष को गांधी उसके रूढ़ और प्रचलित धार्मिक अर्थ में नहीं देखते थे। इसका अर्थ उनके लिए किसी काल्पनिक आकाश पिंड पर जाना नहीं था, किसी धार्मिक नगर में शरीर का त्याग नहीं था, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना भी गांधी के लिए इसका अर्थ नहीं था। उन्होंने कहा, सांसारिक सुख हासिल करने की इच्छा से मुक्ति की कामना ही मोक्ष है। गांधी का कहना था कि अच्छे लोग दुनियावी खुशियों के पीछे नहीं भागते। ये अकाट्य सत्य हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इसे स्वीकार नहीं करता अपनी नासमझी प्रदर्शित करता है। गांधी ने मगनलाल से उनके बेटे केशु के मोक्ष का प्रश्न इसी संदर्भ में पूछा था कि क्या उसे मोक्ष मिलने से तुम्हें दुख होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसका उत्तर हां है तो समझना होगा कि हमारे भीतर मोह की जड़ें किस गहराई तक फैली हुई हैं। मोह को सांसारिक ज्ञान समझने की गलती न करने की सलाह देते हुए गांधी ने कहा, माता पिता के अंदर अपने बच्चों को सर्वोत्कृष्ट देने की इच्छा होनी चाहिए, उनके सामने उच्च आदर्श रखना चाहिए। ये बच्चों पर छोड़ देना चाहिए कि वे बाद में क्या प्राप्त करने योग्य बन पाते हैं। इसी तरह गांधी मानते थे कि ब्रह्मचर्य का परिचित रूढ़ अर्थ उसका एकमात्र अर्थ नहीं है, उसकी दो स्थितियां हैं और दोनों के बीच एक बारीक अंतर है। ये अंतर समझना जरूरी है। गांधी ने कहा कि केवल कामना के वशीभूत होकर ब्रह्मचर्य का उल्लंघन जानबूझकर किया गया पाप है, जबकि उसके उच्च आदर्श जानते हुए उससे नीचे रहने पर होने वाला उल्लंघन मानसिक कमजोरी है। दूसरी स्थिति में एक बार फिर उठ खड़े होने की संभावना बनी रहती है। गांधी ने कहा, हमें कमजोरी को शक्ति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए और न ये मानना चाहिए कि मोह कभी ज्ञान हो सकता है। गांधी ने मगनलाल से कहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि केशु कभी विवाह नहीं करेगा। उन्होंने कहा, अगर वो ऐसा करे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी चमक दुनिया देखेगी। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय, प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।